मुद्दा गरम है। हर सप्ताह सिर्फ राज इंडिया 18 पर छोटू खान के साथ। राज इंडिया 18 में आपका स्वागत है। खबर की शुरुआत करते हैं लखपत नगर से। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी ओम रेगवार की रिपोर्ट। प्रयागराज 11 ने कानपुर को 40 रनों से दी शिकस्त। प्रयागराज ने 40 रनों से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल के लिए बनाई जगह। लवकुश नगर में 51वें अंतरराज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट में प्रयागराज और कानपुर के बीच मैच खेला गया, जिसमें प्रयागराज ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और 20 ओवरों में 158 रन बनाए और जवाब में उतरी कानपुर टीम को जीत के लिए 159 रनों का लक्ष्य रखा, जिसका पीछा करने कानपुर टीम उतरी, लेकिन प्रयागराज की बॉलिंग और फील्डिंग जवाजस्त होने के कारण 40 रनों से हार का सामना करना पड़ा। वहीं आज के मुख्य अतिथि युवा आजाद शक्ति के अध्यक्ष रुद्र पटेल रहे, जिन्होंने कहा खेल को खेल भावना से खेलना चाहिए, जीत और हार होती रहती है और प्रयास करते रहना चाहिए। मैन ऑफ द मैच उस्मान रहे, जिन्होंने अपनी टीम को जिताने में अहम भूमिका निभाई। आज के विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद पत्रकार लक्ष्मी अवस्थी ने मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया। राज इंडिया 18 के लिए ओम रेकवार, लवकुश नगर। आपके एक शहर से एक खबर जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंच सकती है, मगर बस एक शहर जरूरी है। हम लगातार सच दिखाते आ रहे हैं, क्योंकि हम मिर्च मसाला नहीं सच दिखाने का प्रयास करते हैं। राज इंडिया 18 लगातार लोकप्रिय होता है, क्योंकि आपका विश्वास हमें लोकप्रिय बना रहा है और हम आपके विश्वास को इसी तरह बनाए रखने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।